एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अलर्ट हो जाइए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा है परमेश्वर की आत्मा के विरोध में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 पद के दूसरे भाग में उन 7 आत्माओं के बारे में। पिछले भाग में आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे एक आत्मा है, कोई बहुत सी आत्माएं नहीं है, उस एक आत्मा को कैसे परमेश्वर डिवाइड करता है, जितने मनुष्य जिन मनुष्यों के द्वारा वो काम कराना चाहता है या जो मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, उसकी आत्मा से भर जाना चाहते हैं, उन सबको कैसे वो अलग अलग उस आत्माओं से एक ही आत्मा से भर देता है सारे मनुष्यों को, और चाहे वो किसी भी देश में हो। देखिए वो परमेश्वर का आत्मा एक है, अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में भी वो आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, अगर आप अफ्रीका में हैं तो अफ्रीका में भी उतरेगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो वो आत्मा जो है आपके ऊपर उतरेगा, यदि आप चाहते हैं, यदि परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे काम ले। और इन्हीं 7 आत्माओं के बारे में हमने पिछले संदेश में वर्णन किया था कि वो 7 आत्माएं जो है बहुत सी परमेश्वर नहीं है वो, बल्कि एक आत्मा है, एक ही परमेश्वर है और वो सब में कार्य करता है और उसके कार्य जो हैं हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं, ये सारी चीजें देखिए आज हम सीखेंगे परमेश्वर की उन 7 आत्माओं के बारे में कि वो कैसे कार्य करते हैं और किस रूप में हमारे अंदर होकर वो कार्य करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और ध्यान दीजिएगा ये वचन जो है ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आया, जी हाँ जब वो मनुष्य के रूप में आया तब परमेश्वर का ये वचन जो है यशाया नबी का जो ये वचन है 11 अध्याय का 1 और 2 पद भी पढ़ेंगे, 2 पद में जो 7 आत्माओं के बारे में है वो 7 आत्मा यानी इन 7 गुणों से परिपूर्ण था। अब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का ये वचन खत्म हो जाता है या पूरा हो जाता है, अब वो कार्य नहीं करता है, परंतु ये 7 आत्माएं आज भी कार्य करती हैं उन मसीहों के जीवन में जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है या जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के लिए हमेशा उसके कार्य को करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, ये 7 आत्माएं उनके जीवन में काम करती हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां है 7 आत्माओं का, फिर से मैं आपके आगे वर्णन करता हूं। सबसे पहला यहोवा का वर्णन, यहोवा की आत्मा का जो वर्णन हम कर रहे हैं वह है यहोवा की, यहोवा का आत्मा पहला। दूसरा है बुद्धि का आत्मा, तीसरा है समझ का आत्मा, चौथा है युक्ति का आत्मा, पांचवा है पराक्रम का आत्मा, छठा है ज्ञान का आत्मा और 7वां है भय का आत्मा। हम सबसे पहले बात करेंगे यहोवा के आत्मा के विषय में। जी हाँ, यहोवा क्या है, देखिए हम इकट्ठा सबके बारे में एक साथ नहीं सीखेंगे, इन 7 आत्माओं के बारे में अलग अलग सीखेंगे कि उसके कार्य हमारे जीवन में किस तरीके से होते हैं और परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से अपने कार्य को हमारे जीवन में सिद्ध करता है और कैसे हमसे अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर काम लेता है। जी हाँ, ये जो है सबसे पहले हम देखते हैं यहोवा के, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध जो होता है वो पवित्र आत्मा से होता है, यानी पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा है। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, मैं इस पद को पढ़ देता हूं, यहाँ लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखिए यहां परमेश्वर नहीं मंडलाता है बल्कि परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, यानी सृष्टि की रचना करने से पहले परमेश्वर का आत्मा का वर्णन वहां पर दिया गया है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो मंडला रहा है। और तभी अय्यूब एक बहुत बढ़िया बात कहता है और बड़ी बेहतरीन बात लिखता है अय्यूब। क्या कहता है अय्यूब 33:4 पढ़ेंगे, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जी हाँ, देखिए परमेश्वर की
आत्मा ने जो है वो कहता है मुझे बनाया है। सही में परमेश्वर, क्योंकि अब वहां पर मंडलाने का मतलब क्या है कि घोर अंधकार है, पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, कोई भी चीज नहीं है। इसका मतलब वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो कैसे कार्य कर रहा है, ये हम जब आत्माओं के विषय में पढ़ेंगे तो आगे जाके हमें इसका और भी वर्णन मिलेगा कि परमेश्वर का यह आत्मा जो है सृष्टि के समय से परमेश्वर के साथ है और उसके साथ कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, मनुष्यों पर परमेश्वर का आत्मा उतरना। पुराने नियम में पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा कहकर जो है संबोधित किया गया है। जी हाँ, परमेश्वर का आत्मा उसको कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहकर जो है उसे संबोधित किया गया है। परंतु नए नियम में परमेश्वर के उसी आत्मा को पवित्र आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। बहुत से रेफरेंस है, बहुत से पद मिलेंगे जहां लिखा है पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने ये कार्य करा, पवित्र आत्मा ने ऐसा करा। परंतु यहां पर दो पद मैं आपको दूंगा, वैसे तो बहुत पद है मगर दो पद आपको देना चाहूंगा। एक है प्रेरितों के काम 1:8 और प्रेरितों के काम 2:4। यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो उनको देने का वर्णन किया गया है कि पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा और तुम पवित्र आत्मा पाओगे, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। और ये सिर्फ दो ही पद नहीं है, बहुत से ऐसे अनेकों पद हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं, पवित्र आत्मा का वर्णन करते हैं। परंतु यूहन्ना 15:26 में और यूहन्ना 16:7-13 पद में पवित्र आत्मा को कुछ और भी कहा गया है। बड़ा ध्यान से सुनेगा, देखिए हम परमेश्वर के आत्मा की बात कर रहे हैं, पुराने नियम में यहोवा का आत्मा और नए नियम में उसको पवित्र आत्मा और क्या कहा गया है। यहां लिखा है सहायक अर्थात सत्य का आत्मा। जी हाँ, जब आप इन दोनों पदों को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:26, यूहन्ना 16:7-13, तो पवित्र आत्मा को सहायक अर्थात सत्य का आत्मा कहा गया है। जी हाँ, वो सहायक है हमारा, हर प्रकार की वो सहायता और मदद करता है और सत्य को जो है उजागर करता है, हमें बताता है कि सत्य क्या है। और क्योंकि जैसे आप पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32 पद, तो वहां लिखा हुआ है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य को जानेंगे कैसे, देखिए बिना पवित्र आत्मा के आप सत्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सत्य का आत्मा कौन है। अब हम कहते हैं कि हमें सच्चाई पता है, हम सत्य को जानते हैं, बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं, मगर जब उनके जीवन में देखो, जब उनके जीवन में देखते हैं तो पवित्र आत्मा कहीं से कहीं तक उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो सत्य का आत्मा जो है वो बिना उनके जीवन में आए कैसे सत्य उनके ऊपर प्रकट कर सकता है। ये सब इसका मतलब झूठ बोलने वाली बातें हैं, हम झूठ वर्णन कर रहे हैं या हम झूठी गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर कार्य करता है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कार्य नहीं करता है। अब मैं आपको बताऊंगा पहले पुराने नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से मनुष्यों के ऊपर जो था उतरता था या आता था, तो क्या शब्द का यूज किया गया है। ये बड़ा रुचिकर विषय है। परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्यों पर उतरता था पुराने नियम में, तो सबसे पहले जो शब्द का शब्द आया है वो समाया शब्द आया है। जी हाँ, समाया गया। यहां जब न्यायियों की पुस्तक 3:10 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है ओतिनियल पर यहोवा का आत्मा समाया। फिर है न्यायियों 6:34 में कि गिदोन के ऊपर यहोवा का आत्मा समाया। मैं बहुत से पद पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ उसकी हेडिंग्स आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर सब पद पढ़ते जाऊंगा उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है न्यायियों 11:29 पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है इत्या जो है उस पर यहोवा का आत्मा समाया। फिर दूसरा इतिहास 20:14 में लिखा है यहजेल एक लेवी था, एजेल जो था एक यहजेल एक लेवी था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा समाया। अब एक शब्द और आया है कि उभारने लगा, यानी उसको उत्साहित करने लगा, उसको कहने लगा। क्या चीज, न्यायियों 13:25 को पढ़ेंगे तो लिखा है शिमशोन को यहोवा का आत्मा उभारने लगा। यहां शिमशोन सब लोग कहते हैं शिमशोन नहीं है, शिमशोन शब्द जो है नाम आया है, तो उसको यहोवा का आत्मा उभारने लगा। अब एक चीज और आई है, बड़ी शब्दों को देखिएगा कि परमेश्वर का आत्मा किस तरीके समाया जा रहा है, उभार रहा है। अब यहां पर एक जो शब्द आया है वो लिखा है कि बल से उतरा, यानी बड़े फोर्स के साथ,
बड़ी पावर के साथ जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो उतरता है। न्यायियों 14 उसका 6 और 19 और न्यायियों 15 और उसका 14 पद जब आप पढ़ेंगे शिमशोन के बारे में ही है। जी हाँ, शिमशोन के बारे में लिखा है, यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा। बल से जब उतरता, देखिए ये जो उतरना, ये जो समाया, ये जो उभारना शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये शब्द क्यों आपको अलग अलग बता रहा हूं कि आत्मा किस तरीके से समा रहा है, किस तरह, क्योंकि यहां पर अलग अलग कार्य हो रहे हैं, अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है, आत्मा का अलग अलग कार्य का वर्णन हो रहा है, आत्मा का अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है कार्य का। जी हाँ, यहां पर बल से उतरने का मतलब क्या है कि एक फाइटर जो है परमेश्वर ने एक उसको फाइटर बनाया है, लड़ने के लिए तैयार किया है। यहाँ पर शिमशोन को पता है कि आपने देखा होगा कि उसने 300 आदमियों को मार दिया, 1000 लोगों को गधे के जो जबड़े की हड्डी थी उससे उसको लेकर उसने 1000 लोगों को मार दिया। ये क्या था? ये तब हुआ जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, शिमशोन के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समाया, परमेश्वर का आत्मा उतरा या उभारने लगा, ये आप ये सोचेंगे ये सब है तो बात एक ही, आत्मा का उतरना है। नहीं, आत्मा का उतरना नहीं, ये जिस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा अलग अलग कार्य, अगर समाया जा रहा है तो वो कार्य अलग हो रहा है, उभार रहा है तो किसी बात के लिए उभार रहा है उसको, वो कार्य अलग है। अगर बल से उतर रहा है तो इसका मतलब क्या है, शिमशोन को एक फाइटर बना रहा है, लड़ने के लिए तैयार कर रहा है कि बल से उतरा, फोर्स के साथ उतरा, उसको शक्ति के साथ उसके ऊपर उतरा कि उसके अंदर एक अजीब सी, एक असीम शक्ति, एक सामर्थ्य समा गई कि फिर उसके सामने कितना बड़ा आदमी आ जाए, कितने लोग आ जाए, कोई नहीं ठहर सकता। और शिमशोन जो है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे 1 Samuel 10:6, वहां लिखा हुआ है कि शाऊल जो था, राजा शाऊल पर भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और वो नबूवत करने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नबूवत करने लगा, लोगों ने उसको क्या समझा कि ये भी नबी है, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि परमेश्वर उससे कुछ और ही कार्य लेना चाह रहा था। और दूसरा, सॉरी, 1 Samuel 16:13 जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, दाऊद के अंदर एक खूबी थी, वो वीणा बजाता था, और जब वो वीणा बजाता था तो शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी वो जो थी उसके ऊपर से हट जाया करती थी। यानी देखिए परमेश्वर का आत्मा जो है दाऊद के जीवन में काम कर रहा है। क्यों बल से उतरा उसके ऊपर? इसलिए बल से उतरा ताकि सामने वाली जो दुष्ट आत्मा है वो घबरा कर भाग जाए कि मुझसे शक्तिशाली और मुझसे सामर्थी जो आत्मा है वो इसके अंदर है, जो इसके अंदर बल से उतरा हुआ है या समाया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप एजेकेल 11:5 पढ़ेंगे, आप देखिए एजेकेल के बारे में बात हो रही है, एजेकेल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। अब यहां पर एक सिंपल सी बात है, बल से उतरा और उतरा दोनों में अंतर है। बल से उतरने का मतलब है कि एक पावरफुल का, और परमेश्वर का आत्मा उतरा यानी कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए उतरा है। तो फर्क पड़ता है, जब तक आप इन्हें परमेश्वर के आत्मा के बारे में इन छोटी सी छोटी बातों को आप नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सीख सकते हैं। परंतु नए नियम में भी पवित्र आत्मा जो है मनुष्य के अंदर आता था, परमेश्वर का वचन कहता है। यहां पर एक बात दी गई है, योएल नबी और उसका 2 उसके 28 पद में क्या लिखा हुआ है कि इससे पहले कि नए नियम के बारे में जाएं, ये भविष्यवाणी हुई है कि नए नियम के लोगों में, यानी जो हमारे आज के समय के लोग हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, योएल 2:28, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उन बातों के बाद, वो कहता कि मैं सब प्राणियों पर, वो किसी भी प्राणी को आत्मा से खाली नहीं रहने देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है उसकी आत्मा से भर जाए, उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, उसकी आत्मा जो है हर एक मनुष्य के ऊपर बल से उतरे या समा जाए या उनको उभारे। यानी परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्यों के साथ रहे, और यहां तक किसके साथ, योएल का 2:29 जरा ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जी हाँ,
परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है तुम्हारे घर में दास दासी नौकर चाकर हैं, काम करने वाले लोग हैं, अगर मैं उनको भी दूंगा, उनको भी खाली नहीं रहना देना चाहता है परमेश्वर। अब सोचिए, परमेश्वर चाहता है कि सब उसकी आत्मा के साथ रहें, कोई उसकी आत्मा के बाहर ना जाए। मगर ध्यान दीजिएगा, यहां पर नए नियम में परमेश्वर का आत्मा जो है वो किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते, कैसे मिल सकता है, मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम 2:38। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ, अब यहां पर इंग्लिश में आया, एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मगर कैसे, किस तरीके से, जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे पाएंगे, ऐसे नहीं पा जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा। नंबर एक बात, संसार की हर बातों और बुराइयों और पापों से, हर प्रकार की अभिलाषाओं से मन फिराना होगा और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब हम जो है पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। अब बपतिस्मा लेने की बात आती है, बहुत से लोगों का जीवन बपतिस्मा लेने से पहले जैसा होता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी वैसे ही होता है। यदि आपका जीवन बपतिस्मा लेने से पहले जैसा है, बपतिस्मा लेने के बाद भी वैसा है, तो इसका मतलब आपने बपतिस्मा लिया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया, आपने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, आपने तौबा नहीं करी, आपने उन अभिलाषाओं को, उन बुरी बातों को नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है, उन बुरी आदतों को नहीं छोड़ा है। इसलिए आपने मनुष्यों को दिखाने के लिए संसारिक तौर से आपने बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु आत्मिक तौर से आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। और इसलिए मैं कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम दोबारा बपतिस्मा नहीं, आप दोबारा बपतिस्मा हुआ ही कहां? क्योंकि जब आपको पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने वादा करा, देखिए परमेश्वर अपने वादे से मुकरता नहीं है और परमेश्वर जो है कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सत्य कहता है कि जो बपतिस्मा लेगा, जिस तरीके से परमेश्वर कहता, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों से क्षमा मांगो और उन बुराइयों को छोड़ दो, जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार जिए और तब हम बपतिस्मा लें, तो पवित्र आत्मा का दान मिलता है, तब परमेश्वर अपना आत्मा देता है। और यदि आत्मा हमारे पास नहीं है, तो ये सोच लीजिए कि हमें परमेश्वर का दान जो है, पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। प्रेरितों के काम 5:32 में क्या लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसे मिलता है? जो मन फिराता है, जो पापों से पश्चाताप करता है, पापों की क्षमा चाहता है, बुराई को छोड़ देता है। और इसके साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसे गिफ्ट के रूप में, उसे वरदान के रूप में, उसे दान के रूप में परमेश्वर अपना आत्मा देता है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर के लिए कार्य करता है, परमेश्वर उसको अपने लिए कार्य करता है। अब यहां पर है परमेश्वर का आत्मा या यहोवा का आत्मा। प्रेरितों के काम 13:4 में लिखा है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, पवित्र आत्मा जो है वो कार्य के लिए भेजा जाता है, कि पवित्र आत्मा भेज रहा है आपको। आज क्या है, हम सोचते नहीं, हमें तो आत्मा ने भेजा है, और हम फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। और आत्मा जो है, कहां पर आपको वचन सुनाना है, कहां नहीं सुनाना है, इसकी भी आज्ञा जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो देता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ाऊंगा। प्रेरितों के काम 16:6 में लिखा है, वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखिए उस समय परमेश्वर का आत्मा क्यों कहता है कि एशिया में, यानी हम लोग एशियाई लोग हैं, एशिया में परमेश्वर का वचन सुनाने से मना करा। क्यों? क्योंकि एशियाई लोग ऐसा लगता है कि दिखावा बहुत करते हैं, स्वभाव बहुत करते हैं, अपने आप को पवित्र और धार्मिक बहुत मानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, इन्हें रहने दे, इन्हें फिर कभी देखेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा जो है, किसे वचन सुनाना है किसे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन उठाया और किसी को भी सुनाने लगते, किसी को भी बताने लगते, कुछ भी कहने लगते। नहीं, परमेश्वर का आत्मा के बिना आप परमेश्वर के वचन को ना कहीं पर भी किसी भी तरीके से ना सुना सकते हैं और ना बता सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा, जैसा परमेश्वर का आत्मा कहता है हमें वैसे ही करना चाहिए। 1 राजा 18:12 यहां पर जो है, जरा ध्यान दीजिएगा,
परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, लोगों को अगर आप परेशानी में फंसे हैं या लोगों ने आपको घेर लिया या लोग आपका बुरा करना चाह रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको उठाकर ले जाएगा है? या आपने कोई कार्य संपन्न कर दिया या परमेश्वर का आत्मा ने देखा कि जो आत्मा ने कहा वो आत्मा के द्वारा आपने वो पूरा कार्य कर लिया है या परमेश्वर ने जो कार्य दिया है वो पूरा कर लिया है तो परमेश्वर का आत्मा आपको वहां से उठाकर ले जाएगा। मैं दो पद पढ़ाऊंगा कैसे, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आपको बताऊंगा और तू उससे ना मिलेगा तब वह मुझे मार डालेगा, परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। यह ओबद्या के विषय में है। जी हाँ, ओबद्या जो था, अब एलिया जब उसे मिला उसने कहा जा आपको बता दे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो ओबद्या ने मना करा, बोला मैं जाऊंगा परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाकर कहीं पर भी ले जाएगा और फिर तू सुरक्षित पहुंच जाएगा मगर मैं मर जाऊंगा। मैं एलिया कहता नहीं तू उसको जाके बता, कि परमेश्वर का आत्मा एलिया के पीछे जब अहाब राजा और इजाबेल रानी पड़ी हुई थी तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें उठाकर ले जाकर एलिया को सुरक्षित स्थान में रख देता था, ये था उसके बचाव का। अब आता है जब हम कार्य को संपन्न कर लेते हैं, जब आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 39 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। जी हाँ, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को खोजे को बपतिस्मा देने के लिए भेजा और यशायाह की पुस्तक जो वो पढ़ रहा था 53 चैप्टर उसको समझाने के लिए भेजा और उसने जब समझाया तो खोजे ने बपतिस्मा लिया और दोनों जब जल में उतर पड़े और जब फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दे दिया और बपतिस्मा देकर जब वो पानी से बाहर आए तो परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर खोजे के पास से जिस स्थान पर उसे भेजना था वहां ले गया। देखिए परमेश्वर का आत्मा जो है पुराने नियम में भी और नए नियम में एक सा कार्य कर रहा है, फर्क कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं ना भाई पुराने नियम में बल से उतरता है, ये है, आज भी परमेश्वर का आत्मा वैसे ही कार्य करता है जैसे पुराने नियम में उसने लोगों के साथ किया है परमेश्वर का आत्मा। मगर एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अलर्ट हो जाइए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा है परमेश्वर की आत्मा के विरोध में प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, मत्ती 12 अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना उस लोक परलोक में क्षमा किया जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा क्या कहा, अगर हम परमेश्वर के आत्मा के विरोध में पाप करेंगे, परमेश्वर के आत्मा के विरोध में कार्य करेंगे, परमेश्वर के आत्मा ने कहा यहां मत जा और हम जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं इसको वचन मत सुना मगर हम सुना रहे हैं, पवित्र हम गाली गलौच बुराई और इसकी बुराई उसकी बुराई चुगली ये सब कर रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है पवित्र आत्मा के विरोध में जो है हम पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप ना तो इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में भी और ना स्वर्ग लोक में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और क्षमा इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अलर्ट हो जाइए, देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, इसलिए कहता है इफिसियों 4 अध्याय 30 पद परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे दुखित मत करो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। हमने पिछले संदेशों में पढ़ा था जो है जो था और जो आने वाला, जो है यानी पवित्र आत्मा, इस समय पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, हम पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा की व्यवस्था का पालन करें, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र आत्मा के नियमों का पालन करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर के उस आत्मा की यानी पवित्र आत्मा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा के विरोध में हम खड़े हैं। और सोच लीजिए हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई भी नहीं बचा सकता अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में हैं। और इसलिए कह रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत करो, पौलुस कहता है इफिसियों में, क्योंकि छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है और जिस पे पवित्र आत्मा की छाप लगी देखेगा वही बचाया जाएगा। और ये सिर्फ बात यहां की नहीं है, ये बात पुराने नियम की भी है, पुराने नियम के लोगों से भी परमेश्वर के वचन ने कहा, और जब पुराने नियम के लोगों ने पवित्र आत्मा के विरोध में काम करा तो क्या हुआ, सुनिएगा यशाया 63 और उसका 10 पद, यहां लिखा है यशाया 63 उसके 10 पद में, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया,
इस कारण वे पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखिए क्या करा उन्होंने, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खेदित करा है, दुखित किया है। वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें बोल रहे थे, और इसलिए क्या हुआ कि परमेश्वर पलट कर क्या हुआ, उनका शत्रु हो गया। पवित्र आत्मा खुद उनका शत्रु हो गया, परमेश्वर उनका शत्रु हो गया, और लिखा हुआ है कि उनका शत्रु हो गया और स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर का आत्मा स्वयं उनसे लड़ने लगा। अब परमेश्वर का आत्मा जब उनसे लड़ेगा तो कौन बच पाएगा? आप बच नहीं सकते हैं। आप भजन संहिता 139 पढ़ लीजिएगा, 139 में दाऊद कहता है, भजन संहिता 139 में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, कहां जाऊंगा तेरी आत्मा से भागकर, अंधकार में जाऊं छुप जाऊं तो वहां पर भी तू है, समुद्र में चला जाऊं तो वहां पर भी तू है, आकाश पे चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है, सूर्य की किरणों पे चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है। हम परमेश्वर की आत्मा से ना तो छुप सकते हैं और ना भाग सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अनुकूल बनाएं, जैसा वो चाहता है वैसा बनाएं, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरे और जिस तरीके से वो उतरना चाहता है उस तरीके से उसको उतरने दे अपने जीवन में, ताकि वो अपने कार्य को संपन्न कर पाए और हम परमेश्वर के राज के वारिश हो सकें और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर के लिए जीत सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कभी भी यही दुआ करूंगा आप लोगों से, और मैं भी ये चाहूंगा कि मैं भी कभी पवित्र आत्मा के विरोध में ना खड़ा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े होने का मतलब है सीधे सीधे जीवन नरकीय हो जाना, और परमेश्वर के आत्मा के विरोध में खड़े होने का मतलब है कि हमारे पापों की क्षमा हमें ना मिलना। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसे खुश रखें, जैसा वो चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार चलें, ताकि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर बहुबल से हमेशा उतरता रहे, हम प्रभु के आत्मा में हमेशा बने रहें और प्रभु के राज के वारिश आए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो अपनी आत्मा से परिपूर्ण हमें देखे और हम उसके राज के वारिश हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।